सिविल इंजीनियरिंग हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड साइंस की सबसे पुरानी और सबसे पहली तरह की इंजीनियरिंग है। सदियों से इंसानों ने अपनी सूझबूझ और एक्सपीरियंस से बहुत ही मुश्किल लगने वाले स्ट्रक्चर्स आसानी से बनाए हैं। जैसा कि हमने देखा है, इंसान आदिकाल से ही अपने लिए एक सुरक्षित घर बनाना सीख गया था। धीरे धीरे उसने इसमें और निपुणता हासिल की और अब आज इंसान साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग्स चुटकियों में डिजाइन कर लेता है। पर अभी और भी बहुत कुछ है इस सिविल इंजीनियरिंग में आगे होने को, क्योंकि यही एक इंजीनियरिंग है जो एक पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, यही आने वाली सदियों को दिशा देती है। हमारे सिविल इंजीनियर पर यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आने वाले को एक नई दिशा दे जो कि नेचर के लिए सेफ और आने वाली जनरेशन के लिए यूजेबल रहे। हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि फ्यूचर में ऐसे कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप बढ़ाते हुए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एरिया है रोबोटिक्स इन कंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं, रोबोट्स ने कैसे हमारा काम इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में आसान कर दिया है। पूरी तरह से हो रहे ऑटोमेशन से हमारा काम कम समय के साथ साथ सटीक तरह से होने लगा है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में भी अब रोबोटिक मशीन्स का यूज ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। रोबोटिक मशीन्स का उपयोग कंस्ट्रक्शन में ईंट बनाने, कंक्रीट डालने, डेमोलिशन एंड असेंबली, गति बढ़ाने और लेबर वर्क को कम करने जैसे कामों के लिए किया जा सकता है। निर्माण के लिए 3D प्रिंटर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्शन रोबोटिक्स में काम करने वाली ऑस्ट्रेलियाई कंपनी FBR लिमिटेड ने कहा है, मनुष्य पिछले 6000 वर्षों से उसी पारंपरिक तरीके से ईंटें बिछा रहे हैं। मैनुअल ब्रिक मैसोनरी और दीवार बनाने की प्रक्रिया के लिए फास्ट ब्रिक्स रोबोटिक्स लिमिटेड ने एक ब्रिक लेइंग रोबोट का आविष्कार किया है जिसे हैड्रियन एक्स कहा जाता है। हैड्रियन रोबोट को हार्श एनवायरनमेंट में भी काम करने और प्रभावी परिणाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह संरचनाओं के 3D CAD मॉडल से डेटा का उपयोग करके दीवारें और ब्लॉक संरचनाएं बनाता है। अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हैड्रियन जैसे ईंट बनाने वाले रोबोट को तेजी से मेसोनरी वर्क, कम से कम सामग्री की बर्बादी और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ओवरऑल कॉस्ट एफिकेसी पाई जा सकती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी आने वाले कल में। हालांकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑटोमेशन को अपनाने में पीछे है, लेकिन इसने डेफिनेटली एफिशिएंट रिजल्ट्स दिए हैं। दूसरा एरिया जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के रखरखाव में AI के बारे में बात करते हैं तो हम केवल गड्ढों को ठीक करने वाले रोबोट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि यह अच्छा होगा। हम सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स एंड मशीन लर्निंग सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो बड़ी प्रॉब्लम्स बनने से पहले उनकी भविष्यवाणी करने, रोकने और उनका समाधान करने के लिए काम करते हैं। जरा सोचें, ब्रिजेस, सड़कों और बिल्डिंग्स में लगे स्मार्ट सेंसर, वेयर एंड टीयर, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और एनवायरमेंटल कंडीशंस पर लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सेंसर हमारे स्मार्ट शहरों की आंखें और कान हैं, जो AI सिस्टम को जानकारी देते हैं। AI इन सेंसरों के डेटा का एनालिसिस करके यह अनुमान लगाता है कि कब और कहां मेंटेनेंस की जरूरत है। इसका मतलब है कि हम संभावित समस्याओं के बढ़ने से पहले ही उनका समाधान कर सकते हैं, समय, पैसा बचा सकते हैं और अपने कम्युनिटी को सेफ्टी कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ प्रेडिक्शन के बारे में नहीं है, यह एफिशिएंसी के बारे में भी है। AI ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे उपकरणों के साथ श्रमिकों को रेडी कर रहा है, जिससे उन्हें क्षेत्र में एक्चुअल समय डेटा ओवरले, डायग्नोस्टिक्स और स्टेप बाय स्टेप निर्देश देखने की अनुमति मिलती है। यह बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए एक डिजिटल हेल्पर होने जैसा है। यह देखना अविश्वसनीय है कि कैसे AI न केवल हमारे जीने के तरीके में रेवोल्यूशनरी बदलाव ला रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि हमारे शहरों की नींव मजबूत और लचीली बनी रहे। बुनियादी ढांचे के रखरखाव का भविष्य निस्संदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से जुड़ा हुआ है। तीसरा एरिया जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स। ऐसे इरा में जहां सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस
एंड एफिशिएंसी सर्वोपरि है। इनोवेटिव मटेरियल्स ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, जहां हमारा स्ट्रक्चर सक्रिय रूप से खुद की मरम्मत और कायाकल्प कर सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कंक्रीट में दरारें अपने आप ठीक हो जाती हैं, जहां स्ट्रक्चरल डैमेज मानवीय हस्तक्षेप के बिना खुद ही ठीक हो जाती है। यह कंस्ट्रक्शन में सेल्फ हीलिंग मटेरियल का वादा है। इन मटेरियल्स में डैमेज से खुद ही रिकवर होने, स्ट्रक्चर्स के ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने और महंगी और डिसरप्टिव मेंटेनेंस की जरूरत को कम करने की क्षमता होती है। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स के प्राइमरी यूजेस में से एक कंक्रीट स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना है। कंक्रीट में एनवायरमेंटल कंडीशंस, लोड, स्ट्रेस जैसे विभिन्न कारकों के कारण समय के साथ दरार पड़ने की आशंका है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट माइक्रो कैप्सूल्स के साथ दरारें दिखाई देते ही सक्रिय रूप से उन्हें सील कर सकता है। यह न केवल इमारतों की स्ट्रक्चरल रिजिडिटी सुनिश्चित करता है, बल्कि ट्रेडिशनल मेंटेनेंस प्रोसेस से जुड़ी लागत को भी काफी कम कर देता है। जैसे जैसे हम निर्माण में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ओर बढ़ते हैं, मटेरियल्स की खुद को ठीक करने की क्षमता, हमारे प्रोजेक्ट में वेस्ट रिडक्शन और कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने में योगदान करती है। डिमोलिश करने और रीबिल्डिंग करने के बजाय अब हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां स्ट्रक्चर रिजेनरेटिव और अडैप्टिव होंगी, जिससे एक ग्रीन प्लैनेट के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ देगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सेल्फ हीलिंग का इंटीग्रेशन हमारे बिल्डिंग के डिजाइन, रखरखाव और रिजिडिटी के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। इस इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और स्टेक होल्डर्स के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन न्यू आइडियाज को अपनाएं और उनका समर्थन करें, एक ऐसे भविष्य की ओर प्रगति करें जहां हमारे स्ट्रक्चर्स न केवल समय की कसौटी पर खरे उतरें, बल्कि सक्रिय रूप से उभरती चुनौतियों का सामना करें और उनके अनुकूल बने। चौथा एरिया जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपट रहे हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर हमारी निर्भरता न केवल अनसस्टेनेबल है, बल्कि हमारे प्लैनेट की भलाई के लिए हानिकारक है। द टाइम हैज कम फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे समाज की बैकबोन है, जो राष्ट्रों की ग्रोथ और डेवलपमेंट का समर्थन करता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लेकर पावर ग्रिड तक, आज हम जो ऑप्शंस चुनते हैं उसका आने वाली जेनरेशन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह हमारा दायित्व है कि हम एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाएं जो न केवल हमारी वर्तमान जरूरतों को पूरा करे, बल्कि भावी पीढ़ियों की प्रॉस्पेरिटी के लिए पर्यावरण की भी रक्षा करे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जियोथर्मल फॉसिल फ्यूल के लिए एक वायबल एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रदान करते हैं, जिसने अब तक हमारी प्रोग्रेस को बढ़ावा दिया है। ये सोर्सेज न केवल अबंडेंट अमाउंट में हैं, बल्कि इनहेरेंटली रूप से क्लीन भी हैं, जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करते हैं। यह जरूरी है कि हम एक ग्रीन, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के सपने के लिए इन सोर्सेज को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लाभ कई गुना हैं। सबसे पहले, यह एनर्जी सिक्योरिटी और रेजिलियंस को बढ़ावा देते हुए फाइनाइट एंड एनवायरमेंटल रूप से हार्मफुल सोर्सेज पर हमारी निर्भरता को कम करता है। सन, एयर और पानी की शक्ति का उपयोग करके हम एक डाइवर्सिफाइड और डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी ग्रिड बना सकते हैं, जो डिसरप्शंस और प्राइस फ्लक्चुएशंस के प्रति कम ससेप्टिबल हो। इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए हमें सभी सेक्टर्स और बॉर्डर्स के पार सहयोग करना चाहिए। गवर्नमेंट, बिजनेसेस और कम्युनिटीज को रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज को अपनाने के लिए मोटिवेट करने वाली पॉलिसीज को डेवलप करने और अप्लाई करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन प्रोजेक्ट्स के लिए नेसेसरी फंडिंग उपलब्ध कराने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और रिसर्चर्स को इन इंडस्ट्रीज को अधिक इनोवेटिव और रिफाइन बनाने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट करना जारी रखना चाहिए। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। यह हमारे प्लैनेट, फ्यूचर जेनरेशंस और हमारे प्रति एक जिम्मेदारी है।
क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को अपनाकर हम एक रेजिलिएंट और थ्राइविंग सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को डेलिकेटली बैलेंस करता है। पांचवा एरिया जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ऑगमेंटेड रियलिटी AR फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में AR का इंटीग्रेशन इनोवेशन एफिशिएंसी एंड अनपैरेलल्ड कोलैबोरेशन के एक नए युग की शुरुआत करता है। कंस्ट्रक्शन जैसा कि हम जानते हैं हमेशा प्लानिंग प्रेसिजन एंड एग्जीक्यूशन का एक कॉम्प्लेक्स डांस रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी का US इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के हर एक चरण में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने की एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। ऑगमेंटेड रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड पर डिजिटल जानकारी डालता है जिससे कि कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स को रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट अवेयर डेटा मिलता है जो प्रोजेक्ट्स की इमेजिनेशन और रियलाइजेशन के तरीके में रेवोल्यूशनरी बदलाव ला सकता है। कंस्ट्रक्शन में ऑगमेंटेड रियलिटी के प्राइमरी एडवांटेजेस में से एक एनहांस्ड विजुअलाइजेशन है। इमेजिन करें कि आर्किटेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर्स रियल टाइम में कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने प्रोजेक्ट्स के 3D मॉडल देखने की क्षमता रखते हो। विजुअलाइजेशन का यह लेवल न केवल लोकल रिलेशंस को बेहतर ढंग से समझने में हेल्पफुल है बल्कि प्रोजेक्ट और डिजाइन स्टेप्स के दौरान मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग लेने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी जमीनी स्तर पर वर्कर्स को उनकी उंगलियों पर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है। AR इनेबल्ड स्मार्ट हेलमेट या चश्मे के माध्यम से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पारंपरिक पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स का यूज लिए बिना इंपॉर्टेंट डेटा जैसे बिल्डिंग प्लान्स, सेफ्टी गाइडलाइंस एंड इक्विपमेंट मैनुअल्स तक पहुंच सकते हैं। यह न केवल वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करता है बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी मेजर्स को भी बढ़ाता है। कंस्ट्रक्शन में AR का एक और नोटवर्दी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन के एरिया में है। जियोग्राफिकल रूप से बिखरी हुई टीम्स स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट्स की एक कॉमन विजुअल साझा करने की अनुमति देता है। रिमोट एक्सपर्ट्स निर्माण स्थल पर चल सकते हैं जिससे कि वो रियल टाइम गाइडेंस और कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन में AR की पॉसिबिलिटीज में गहराई से उतरते हैं यह एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है कि यह टेक्नोलॉजी ह्यूमन एक्सपर्टीज का रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि एक पावरफुल टूल है जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सेंटर में रहते हैं और AR उन्हें एम्पावर बनाने का काम करता है। सपोर्ट की एक डिजिटल परत प्रदान करता है जो उनकी डिसीजन लेने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। आखिरी एरिया जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हाइपरलूप एंड एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि हम एक नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस का पता लगाना और उन्हें अपनाना जरूरी है जो लोगों और वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजिकल विजनरी एलन मस्क के दिमाग की उपज ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी और स्पीड में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रांसपोर्टेशन के इस रेवोल्यूशनरी तरीके में मैग्नेटिक लेविटेशन और लिनियर इंडक्शन मोटर्स के संयोजन द्वारा प्रोपेल्ड लगभग सुपरसोनिक स्पीड पर लो प्रेशर ट्यूब्स के माध्यम से जर्नी करने वाले कैप्सूल शामिल हैं। एज अ रिजल्ट यह एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि फास्टर मोर सस्टेनेबल एंड रिमार्केबली एफिशिएंट है। हाइपरलूप के मोस्ट कंपेलिंग एस्पेक्ट्स में से एक ट्रैवल टाइम के कॉन्सेप्ट को फिर से रिडिफाइन करने की इसकी क्षमता है। कल्पना कीजिए कि जिन जर्नीज में परंपरागत रूप से घंटों लग जाते हैं वे मात्र मिनटों में पूरी हो जाती हैं। इससे न केवल पर्सनल कन्वीनियंस बढ़ती है बल्कि रीजनल एंड इवन क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन के अपॉर्चुनिटीज भी खुलते हैं। हाइपरलूप के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी समान रूप से नोटवर्दी हैं। जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रही है ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस तलाशना अनिवार्य हो जाता है जो न केवल तेज हों बल्कि टिकाऊ भी हों। हाइपरलूप अपनी लो एनर्जी कंसम्पशन और मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट के साथ एक ऐसे भविष्य के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है जहां तेजी से बढ़ते रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ा जा सकता है।
जैसे जैसे हम एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में उतरते हैं, ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि हाइपरलूप केवल एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। चल रही परियोजनाओं और प्रोटोटाइप के साथ यह एक सॉलिड रियलिटी है। दुनिया भर की कंपनियां और विजनरीज इस तकनीक को ड्राइंग बोर्ड से ट्रैक तक लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है जो न केवल एफिशिएंट हो बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव हो। हालांकि हाइपरलूप के वाइडस्प्रेड अडॉप्शन की दिशा में चैलेंजेस बहुत है। रेगुलेटोरी फ्रेमवर्क्स, पब्लिक एक्सेप्टेंस और इन्वेस्टमेंट ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। फिर भी ऐसे चैलेंजेस का सामना करने से ही प्रोग्रेस होती है और एक ब्राइटर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर बनाया जा सकता है। हाइपरलूप इस एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन मोबिलिटी के निरंतर विकसित हो रहे लैंडस्केप में इनोवेशन और प्रोग्रेस का प्रतीक है। अंत में, सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर जबरदस्त संभावनाओं और इनोवेशन से भरा है। जैसे जैसे हम इन एक्साइटिंग ट्रेंड्स पर आगे बढ़ते हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए हम केवल स्ट्रक्चर्स का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम एक रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर को आकार दे रहे हैं। हम में से हर कोई इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लेट्स स्टे क्यूरियस, बदलाव को अपनाएं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में सबसे आगे रहें। ऐसा करके हम न केवल मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स के बल्कि एक बेहतर दुनिया के भी इंजीनियर बनते हैं। द फाउंडेशंस वी ले टुडे विल सपोर्ट द एस्पिरेशंस ऑफ जनरेशंस टू कम। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये एक ऐसा भविष्य है जहां सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्रेस के लैंडस्केप पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ते हुए सीमाओं को पार करना जारी रखेगी। आइए मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिस पर हम सभी को गर्व हो।